All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened. Cases are put on people. Agencies are used on people. So we also are finding that, in some way, it had become quite difficult to act politically.

After five or six days, we realized that actually walking 4,000 kilometers is not an easy thing. <laughs> you know? and, and I had an old knee injury that started to act up. So I said, Now I'm in real trouble. Because there's no choice. One has to walk, and I'm having quite a lot of pain. And then quite a surprising thing happened. I started noticing that after walking 25 kilometers, 25 kilometers is more than half a marathon. So after walking two, three weeks every day, 25 kilometers, I suddenly realized one afternoon that it's strange, but I'm not feeling tired at all. I get up in the morning, six o'clock we used to start, and we used to end walking at about 7:38 in the evening, and I was like, "This is very strange. I'm not feeling tired at all. What is this?" And then I started asking people around that, Everybody is saying to me, nahi hori. It's very strange, we're not feeling tired." So I started to think about it, and I realized that actually what was going on was that it was not us that was walking. ज इंडिया दैट वॉज वर्किंग विद राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहाँ वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते पूर्व में भी आप देखें वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रशंसिन खड़ा करते हैं आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है अंतर देखिए जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रशंचिन्ह खड़े किए देशवासियों के ऊपर प्रशंचि खड़े किए और मैं एक तरह से कहूं जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री जी के छह दिन की यात्रा में लगभग दो दर्जन दुनिया भर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं पचास से ज्यादा मीटिंग्स होती हैं जहां पे कलाकार साहित्यकार उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों तक सब मिलते हैं भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है और भारत को भारत में एक भविष्य देखती है होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है दुनिया जब और दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बार बार एक नहीं अनेक ऐसे सर्वेस में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई इटली की प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पाउछ छू कर करते हैं शायद पचहत्तर वर्षो में कभी नहीं हुआ तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई और जब देश इस बात का खुशी मनाता है कि हमारे नेता के कारण 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है भारत का मान बढ़ता है दुनिया भारत में उम्मीद होप देखती है तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती